उत्तरकाशी जिला पंचायत में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जिला पंचायत सदस्य उत्तरकाशी ने देहरादून में एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ एक जांच बैठाई गई थी। इस विवाद के बाद जब हमारी न्यूज़ 31 की टीम मामले में पड़ताल करने पहुंची, तो क्या कुछ निकल कर आया, आप भी देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हुकम सिंह रावत जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ मुद्दा है जो आरोप इन पर लगाए गए हैं दीपक बिजलवान जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा, कि क्या कुछ मामला है वो आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। पहले तो धन्यवाद न्यूज़ 31 उत्तराखंड चैनल का। दीपक बिजलवान जी द्वारा मुझ पर क्या आरोप लगाए गए ये आप जानते होंगे, और किस बात के आरोप लगाए गए, मैंने क्या कर दिया ऐसा कि जो मुझ पर आरोप लगाए गए और किस बात के आरोप लगाए गए, आप विस्तृत में इसकी मुझे बताने का कष्ट करेंगे। सर जैसा कि दीपक बिजलवान जी ने कहा कि आपने उन पर एक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, ठीक है, जिस उनकी छवि धूमिल हो रही थी, जिसके लिए वो सीधा मुख्यमंत्री जी ने गुहार लगाया है कि जो उनकी जाँच है उनके जाँच में पूरा सहयोग किया जाए और साफ तरीके से जाँच की जाए। मैं इस जाँच के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इसकी अभी जाँच जो रिपोर्ट है वो शासन को आ चुकी है, और इनके जो कुकृत्य किए हुए थे और जो उत्तराखंड में, उत्तराखंड प्रदेश में ये सबसे बड़ा महा घोटाला जो साबित हुआ है आज तक कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो इस समय सबसे बड़ा महा घोटाला उत्तरकाशी जनपद में जिला पंचायत में हुआ है, और जिन जगहों का जहां पे योजनाएं धरातल पे नहीं दिखी वो पूरे साक्ष्य आ चुके हैं, उनकी जाँच टीमों ने वो पूरी रिपोर्टें शासन को प्रेषित कर दी है कि ना गांव है ना उस गांव में तोक है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जब संपूर्ण भारत लॉकडाउन कोविड-19 के तहत जब महामारी फैली हुई थी और पूरा भारत वर्ष अप्रैल और महामई दो महीने के लिए संपूर्ण भारत बंद था, किसी भी प्रकार का कोई ऑफिस खुला नहीं था, कोई कर्मचारी कोई काम नहीं करता था, तो उस दौरान भी उत्तरकाशी जिला पंचायत में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, करोड़ों रुपए के कार्य किए गए। उस समय पे जब वहाँ यात्रा ही नहीं चल रही थी गंगोत्री यमुनोत्री में, फिर यात्रा के नाम पर वहाँ पे लाखों रुपए के जो फर्जी मस्ट्रोल बनाकर बिहार के और नेपाली मजदूरों को दिखा करके लोकल लोगों को, तो जबकि कोविड में आदमी एक दूसरे के घर नहीं जा पा रहा था, तो उस दौरान इन्होंने लाखों के एयरफेयर कर दिए। उनका कार्य प्रारंभ अप्रैल में होता, लास्ट मार्च के माह में होता है, और समापन जो है मई के माह में होता है। तो इससे बड़ा घपला आपको मैं क्या बताऊं, जब भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि समय किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा, सब अप अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई कार्यालय कोई ऑफिस सब बंद रहेंगे, वहीं इन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया, गंभीर बोल सकते हैं कि वन विभाग जो भर्ती घोटाला है उसका आरोप भी हुकम सिंह रावत पर लगाया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए ये फालतू की सारी चीज़ें हैं, फालतू की बात है, इसमें SIT की जांच हो रखी है, पूरे उत्तराखंड सरकार ने इसकी जांच की है, SIT की रिपोर्ट आ रखी है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो लोग सलाखों के पीछे हैं, उन लोगों को उत्तराखंड जीरो टॉलरेंस की सरकार ने जेल में बंद कर दिया है। अब आदमी के पास जब कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा तो ये फालतू के जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद आरोप है, और ये मुझको बदनाम करने की एक साजिश है, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस के व्यक्ति हैं और हमारे ऊपर भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार का कोई आरोप, कोई जिस दिन मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से भी और जिला पंचायत सदस्य पद से भी त्याग पत्र दे दूंगा, और पूरे जीवन भर के लिए अगर कोई आरोप, अब अगले व्यक्ति के पास जब करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप साबित हो गए, तो कुछ ना कुछ विपक्ष का जो व्यक्ति है तो हमें बदनाम करने की जो कोशिश कर रहा है और मेरी छवि को जो धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद जनता जानती है, पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा जनपद उत्तरकाशी जानता है कि कौन घोटालेबाज है कौन आरोपित है। वहीं जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं दीपक बिजलवान ने एक बात और कही थी कि उनके पास सभी प्रकार के साक्ष्य हैं जिनसे निर्दोष साबित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो भी इसमें सम्मिलित है षड्यंत्र में उनकी छवि धूमिल करने के। देखिए कोई हमारी दीपक बिजलवान जी हमारे सम्मानित जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं
और हमारे मित्र भी हैं मुझे दीपक विद्वान जी से कोई कोई मतलब नहीं, ना मैंने उनसे कोई चुनाव लड़ा, ना मैंने अध्यक्ष का लड़ा, ना मैंने उनके साथ सदस्य का चुनाव लड़ा। हम जीरो टॉलरेंस के व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी का मैं नौमित सदस्य हूं। जो उस जिला पंचायत में कुकृत्य हो रहे थे उसमें अधिकारियों की मिलीभगत का क्या मतलब है? अधिकारियों की मिलीभगत है तो जिला पंचायत के उनके अधिकारी है जो उनके अधीनस्थ है, जिनसे उन्होंने जबरदस्ती रातों रात में वहां पे एस्टीमेट बन रहा, रातों रात में एमबियां हो रही है, रातों रात में पेमेंट हो रहा, और बिना वित्तीय परामर्शदाता के जो बीपीडी होता है हमारी जिला पंचायत में, लेन देन उनके बिना वित्तीय परामर्शदाता के कोई लेन देन नहीं होता, और बिना उनके हस्ताक्षर के वहाँ करोड़ों रुपए का भुगतान हो जाता। और आपको मैं एक और बताना चाहूँगा बात, ये मेरे क्षेत्र विकासखंड मोरी की बात है और न्याय पंचायत धोनी की बात है। हलवाई से तलवाड़ संपर्क मार्ग 5 लाख रुपए का, जिसका कार्य अप्रैल माह में शुरू होता है और मई में खत्म होता है। उस उपरोक्त मैं पूरे आपको पूरे जनपद की बात बताऊं और पूरे विधानसभा की बात बताऊं, ना तो वो उक्त क्षेत्र, ना तो उक्त गांव है, ना उक्त कोई तोक है हमारे क्षेत्र में। तो इससे बड़ी बात मैं आपको क्या कहूं। और ये कईयों किते ये जांच रिपोर्ट में आ भी चुका है कि ना तो ये तोक है और ये ना गाँव है, और इसमें जो बहुत बड़ा माँ घोटाला हुआ है उसका दूध का दूध पानी का पानी उत्तराखंड की जीरो टॉलरेंस सरकार इसमें काम करी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिनकी जो नीति है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है उस पर काम कर रहे हैं, और इसका कुछ दिनों बाद आपको प्रमाण सामने आ जाएगा कि क्या सच्चाई क्या है। ये थे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य हुकम सिंह रावत जी। आपने देखा किस प्रकार से दीपक बिजलवान जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष और हुकम सिंह रावत ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो लगाए थे उनका बेबुनियाद बताया है। अब देखना ये होगा कि कौन आरोपी है और कौन नहीं। सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 41 उत्तराखंड। नमस्कार, आज न्यूज़ 41 उत्तराखंड की टीम पहुंची है उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वार पे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे उन्हीं के सदस्यों ने। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 41 उत्तराखंड में। पहले तो धन्यवाद, नमस्कार। आप के माध्यम से राज्य के समस्त वासियों को और जनपद वासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जो आपने मेरे से जवाब पूछा है, इस संबंध में मेरा कहना है ये महज एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में जो भी लोग शामिल हैं वक्त देर वक्त एक दिन इन सबका चेहरा सामने आएगा और सच सबके सामने होगा। हाँ, ये जरूर है कि अभी समय लग रहा है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि बाहुबल उनके पास हैं और उस बाहुबल के भरोसे वे लोग अपने तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं इस संदर्भ में पहले भी न्यायालय में गया, इनके प्रोसीडिंग को चैलेंज किया और न्यायालय ने वो सही ठहराया और इनके प्रोसीडिंग को और इनकी पूरी जांच को क्वेश किया। पुनः मैं फिर न्यायालय में गया, न्यायालय में उसको प्रथम दृष्टया जब हमने पहली बार गए थे तो उसको उस जाँच को मैच्योरिटी के आधार पर रोक दिया गया था। सेकेंडरी जब हम डबल बेंच में उन तथ्यों को फिर से देखने गए तो डबल बेंच ने उसको एक्सेप्ट किया और इनको नोटिस किया है। मेरा कहना इसलिए है कि ये फिर प्रोसीडिंग में हम फिर कमियां बता रहे हैं। इनकी इतनी बड़ी सेटिंग है कि ये बिना सेक्रेटरी पंचायत राज के कार्यालय में रिसीव कराए हुए ये एफिडेविट को देते हैं और उन एफिडेविटों को संज्ञान में भी ले लिया जाता है और ऑर्डर भी हो जाते हैं। हमने अपने जब हमारी जाँच हो रही थी जिलाधिकारी के माध्यम से तो हमने वहाँ पर वो तथ्य रखे हैं, हमने भेजे भी हैं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से हम लोगों ने अपने जाँच में जो सहयोग किया है और जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाए उस पर हमने बाकायदा हमने साक्ष्य के आधार पर अपने जवाब दिए हैं। जो भी साक्ष्य जो भी हमारे ऊपर 5-7 इन्होंने प्रश्न लगाए हैं, प्रश्न के आरोप लगाए हैं, उन सब आरोपों का हमने साक्ष्य के आधार पर जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि भैया इन्होंने इतने करोड़ रुपये के बॉन्ड किए हैं, इतना किया है। एक हमारे पास एक बाइकोद बाइलोज है और उत्तराखंड सरकार का है, पी के मेहंती का, उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि 2 लाख तक नीचे के जो भी एग्रीमेंट होते हो पी के मेहंती के अंतर्गत हम किसी को भी सोसाइटी के अंतर्गत दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जियो कह रहा है, ये जियो है पी के मेहंती, हमने ये जियो उसमें कोट किया है, ये कह रहे हैं ये गलत है। लेकिन पी के मेहंती जी का सचिव उस समय थे और पी के मेहंती जी का ये ऑर्डर है। ये कहते हैं कि भैया आपके जिला पंचायत में जियो की जो निरीक्षण है उनमें, मेरा कहना है कि भैया तुमने उन जियो को टाइम जो जिला पंचायत के अवरता है आपने उनको समय दिया क्या? उनको इस तरह निरीक्षण में समय दिया, उनको काम दिया आपने कि जाइए आप दिखाइए काम? वो भी नहीं आपने समय पर दिया। तमाम चीज़ें हैं लेकिन हम बताना चाहते हैं आप सबको उन सब चीज़ों की जब जांच अभी इन्होंने की, अभी
शासन स्तर पर जांच पेंडिंग है, आगे आने वाले दिनों में। मेरा सिर्फ अपने प्रदेश के मुखिया से निवेदन है और आग्रह है कि आप की जो छवि है ईमानदार मुख्यमंत्री की, तो ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि पर मेरा यही कहना है कि आप एक बार जरूर हमें भी सुनिए। ये जो लोग हैं जो कहीं कथा कथित तरीके से जिला पंचायत की इमेज को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, ये सच हैं या नहीं, हम अपने साक्ष्य के आधार पर आपके सामने हैं। जिला पंचायत ने जो योजनाएं धरातल पे किए हैं या नहीं किए हैं, उस पर जिला पंचायत के जीओओं को भी जांच में सम्मिलित किया जाए, उनको भी जांच में सम्मिलित कर उन्हें समय दिया जाए। आपने अपने आदेश में लिखा है समुचित अवसर प्रदान करें, समुचित अवसर। आप पूरे जनपद की जांच आप कर रहे हैं और 5 दिन में आप पूरे जनपद की जांच चाहते हैं, इस तरह की जांच आप करवाना चाह रहे हैं। और जिलाधिकारी जी से हमने निवेदन किया है, हमारे जीओ ने निवेदन किया है कि समय दीजिए, 15 दिन का समय मैंने मांगा था, मुझे भी 15 दिन का समय ना देकर 10 दिन में उन्होंने, फिर भी हमने कहा नहीं, चलो जांच में सहयोग करो, कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र में जनपद का उच्च अधिकारी भी है और जिला पंचायत का भी कोई ना कोई एक अधिकारी है। हमने वो भी एक साक्ष्य दिए हैं और बाकायदा जांच में साक्ष्य हमने पेश किए हैं, कौन व्यक्ति किस करप्ट स्थिति में है, कहां पर है। हम उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपको जो साक्ष्य जिला पंचायत ने अपने दिए हैं और जो दीपक बिजलवान जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपना जवाब दिया है, उसको आप जरूर एक बार अध्ययन करेंगे। यदि आपने जरूर उसको एक बार अध्ययन कर लिया तो आप समझ जाएगा कि राजनीतिक षड्यंत्र कितना भयंकर बना रखा है और इस राजनीतिक षड्यंत्र में कौन कौन लोग हैं, इसमें अधिकारी क्यों है, उसको भी हम आपको बताएंगे यदि आप हमें समय देंगे इसे सुनने का। जनपद का बड़ा अधिकारी भी क्यों है ये भी बता देंगे, क्या कारण है, क्यों है इस जांच में षड्यंत्र में शामिल क्यों होना चाह रहा है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। दीपक जी एक सवाल मेरा और है, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, 300 करोड़ के घोटाले का आरोप आपके ऊपर लगाया गया है, तो क्या कुछ कह सकते हैं इसमें कि आपकी आपकी छवि को धूमिल करने की या फिर साजिश की जा रही है। 200 करोड़ रुपए तो हमारे जिला पंचायत में भगवान करे कि आ जाएँ और उसमें विकास कार्य हों, परंतु हमारे जिला पंचायत का जो बजट है उसकी किस्त जो है 2 करोड़ रुपये की है और उसमें सैलरी हमारे जिला पंचायत के निकलने तो बाकी चीज़ें भी हैं। अब भ्रष्टाचार के आरोप तो सब पे लगे हैं, आरोप समय रहते चीज़ें जब सच सामने आएगा, तमाम चीज़ें हुई हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी पर कितना बड़ा आरोप लगा दिया गया था विपक्षों द्वारा, ढेंचा बीज घोटाला, पूर्व मुख्यमंत्री जी पर कुंभ घोटाला, तमाम आरोप लगाए गए हैं लगते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे परे थी। पहले कह चुका हूँ ये राजनीतिक षड्यंत्र है और ये राजनीतिक षड्यंत्र महज ये मेंबर नहीं है, सिर्फ की मेंबर ही मेंबर है, इसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं, जनपद का उच्च अधिकारी भी मिला हुआ है और हमारे जिला पंचायत का भी कोई ना कोई अधिकारी मिला हुआ है, जिसके हमने साक्ष्य अपने जांच में दे दिए हैं कि कौन मिला हुआ है, वो कितना गलत है, वो क्या है, सब हमने जांच में दे दिए हैं। अभिमानदार छवि हमारे मुख्यमंत्री जी की है, हमें उन पर भरोसा है कि यदि वो हमें सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें क्या है। और उच्च अधिकारी क्यों इस षड्यंत्र में शामिल है उसका भी कारण हम बता देंगे। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनपद की जिला योजना जो कि 42-45 करोड़ रुपए हमारे जनपद को मिला है, जनपद की जिला योजना में ठीक है हमारे सरकार ने एक गाइडलाइन तैयार की है कि जब तक चुनाव नहीं हुए हैं जिला योजना का जो बजट है वो जिला अधिकारी के माध्यम से आवंटन होगा, लेकिन ये नहीं कहा है कि जिला अधिकारी के माध्यम से आवंटन होगा लेकिन नियम विरुद्ध होगा, नियम के तहत होगा। नियम क्या कहता है जिला योजना का कि पंचायत की प्रथम शाखा जो हमारी है ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों से जो प्रस्ताव आएंगे उन पर उन्हीं पर ही अमल किया जाएगा और उनकी योजनाओं को आगे प्रस्तावित किया जाएगा। फिर उन योजनाओं में एक नई गाइडलाइन जो बनाई गई थी कि इस बार हमने कौशल विकास की तरफ जो योजनाएं होंगी उनको रखा जाएगा, क्या ऐसा हुआ है? यदि हुआ है तो उस बुकलेट को सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है, क्यों छिपाई जा रही है बुकलेट? जब मैंने स्वयं 3-4 बार कॉल करके जिलाधिकारी जी को कह दिया, लिखित में दे दिया है कि मुझे बुकलेट प्राप्त कराया जाए, क्यों छिपाई जा रही है बुकलेट जब उसमें सब कुछ ठीक है? मैं कहना चाहता हूं इन बातों को इसलिए कि जितनी जिम्मेदार तरीके से जिला पंचायत वहां कार्य कर रही है वो काम करेगी। षड्यंत्रों का पर्दाफाश मुझे पूरा भरोसा है शासन स्तर पर सरकार स्तर पर हो जाएगा, यदि नहीं होता है तो न्यायालय जिंदाबाद है, न्यायालय जाएंगे, और हम लोग अगर गलत होंगे तो न्यायालय से हमें सजा मिलेगी, हम लोग अगर सही होंगे तो न्यायालय से हमें उसका हमें न्याय मिलेगा। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने जनपद के लिए विकास के प्रति और गरीब गरीब वर्ग के प्रति जो कार्य कर रहा था कर रहूँगा,
उसको लेकर भी कई लोगों को शिकायतें थी और वही शिकायतों का ये षड्यंत्र बनाया गया है और मेरा जो कार्य की जो तरीका है वो नहीं बदलेगा, काम बिल्कुल उसी तरह से चलता रहेगा और मैं पूरा भरोसा रखता हूँ जनमानस पे और अपने जनपद की उत्तरकाशी की जनता मुझे जानती है क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि कोई बिचौलिया हूँ कि किसी सेटिंग करके कुछ लगाता हूँ या कुछ लोगों को सेट करता हूँ, उस टाइप का नेता नहीं हूँ। मैं लगातार जनप्रतिनिधि बना हूँ, 2008 से मैंने जनप्रतिनिधि का कार्यकाल शुरू किया है और 2020 हो चुका, आज तक जनप्रतिनिधि कार्यकाल में किसी भी जनता ने मुझे कहीं पर भी पीछे नहीं रहने दिया है। मुझे पता है जनता के प्रति जवाबदेही किस तरह से होती है और अगर उसमें कोई कमियां रहती है तो मैं जनता के बीच में जाकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आगे सुधार के लिए काम करता हूँ और भविष्य में भी जिला पंचायत आपके जो भी सुधार वाचक जो चीज़ें होंगी उनको किया जाएगा। लेकिन जिला पंचायत के मान सम्मान को अगर जो गिराने का प्रयास किया जा रहा है, इस षड्यंत्र में जो जो व्यक्ति भी शामिल है इनके खिलाफ बाकायदा उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट दायर होगी और मेरे पास साक्ष्य मिल चुके हैं कि इसमें उच्च अधिकारी किस लेवल पर सम्मिलित हैं, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं उस बात को ना लिखकर उसके अलावा अन्य बात को लिखा जा रहा है जानबूझकर। तमाम चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, हमारे पास आ रही हैं और हम अपने चीज़ों को निकला रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है और आने वाले दिनों में हम इन चीज़ों को पटाक्षेप करेंगे और ये कोई इस घमंड में ना रहें कि आज हम सत्ता पे हैं या मैं आज बहुत बड़े अधिकारी हूँ, मैं जो चाहूँगा जनपद में कर लूँ या मैं अध्यक्ष जिला पंचायत हूँ तो मैं घमंड के रूप में आकर जनपद के विकास की जगह विनाश का काम करूँगा, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर हम सच होंगे, सही होंगे, तो आने वाले दिनों में इसका जनता को भी जवाब मिल जाएगा और विपक्षियों को भी इसका जवाब मिल जाएगा। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।